अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। अब के हम पिछड़े यार, सुबह से तमसील का कुछ पता नहीं और ना ही तुम्हारे उस चेयरमैन का, और तुम मुझे सबर की तलकीन दे रहे हो। मुझे तो उस एहसन पे ना शुरू से यकीन नहीं था। औकात देखिए अपनी, चले मुझे अपनी बीवी का दर्जा देने। आप जैसे 10 नौकर काम करते मेरे घर में, इसीलिए इतना गुरूर है आपको। थैंक गॉड, पता है मेरा सुबह से दिल बहुत घबरा रहा था, मामा की बहुत याद आ रही थी। बाबा आप मामा से कहें ना कि वो फौरन वापस आ जाए नानू से मिलकर। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई सबूत भी तो नहीं है, लेकिन अब्बा कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या, मुश्किल में हो भाई? तुम कब आई? मुझे आए हुए तो कमोबेश 20 साल हो गए, आपको अब पता लगा? हा हा, वेरी फनी चुड़ैल। और तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? आपने मुझे चुड़ैल कहा? ठीक है, अब मैं भी वो नहीं बताऊंगी जो उर्वशी ने कहा था। अच्छा, क्या कहा उर्वशी ने? अच्छा, अपने अल्फाज पहले वापस लो। कौन से अल्फाज? वही चुड़ैल। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं कहा है। अब जबरदस्ती तुम अपनी जबान से अल्फाज बोल रही हो तो वो अलग बात है। अच्छा, तुम कुछ कह रही थी ना उरुण साहब? भूल गई। अच्छा चलो बता देती हूँ, क्या याद करोगे आप भी? भाई आपको उरुसा की कहानी पता है, उसका घर, उसके फैमिली के मसले मसाइल। भाई उरुसा अब खुश रहने लगी है, उसके अंदर एक उम्मीद सी जागी है। वो आपके साथ बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आज तक मैंने उसको इतना हैप्पी नहीं देखा। क्या आप उसके साथ सीरियस हो? ऑफ कोर्स यार, तुम्हें ये सवाल पूछने की नौबत ही क्यों आई? क्या तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है? भरोसा है भाई, लेकिन वक्त और हालात कब बदल जाएं, हाथ से खुशियां कब फिसल जाएं, पता नहीं चलता। और आप अपने और उर्वशी के रिश्ते को एक नाम दो, एक ऐसा नाम जो हमारी इस सोसाइटी में काबिले कबूल हो, क्योंकि आपका और उर्वशी का जो रिश्ता है ना, वो सोसाइटी के नॉर्म्स पे नहीं उतरता। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपके नाम से उरुसा को कोई कभी भी कोई गलत बात करे? हरगिज नहीं, मैं खुद यही चाह रहा था। मैं अम्मी से खुद बात करूंगा, बट प्लीज प्रॉमिस मी तुम उरुसा से अभी कोई बात नहीं करोगी इस मामले में। हाय सच्चू, यानी उरुसा मेरी भाभी? अरे आराम से, कहीं अम्मी अब्बा सुन ना लें। अरे वो तो सो रहे। अच्छा सुनो, प्लीज प्रॉमिस मी जब तक मैं ना कहूं तुम उरुसा से कोई भी बात नहीं करोगी। के बाबा, वैसे भाई आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू बोथ। थैंक यू। अभी जो हमारे घर का हंसता बसता माहौल है, क्या वो यूं ही रह पाएगा? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। शुक्र। कहाँ जाने की जल्दी है एहसन साहब, जो आपने नाश्ता अधूरा छोड़ दिया। नाश्ता तो पूरा कीजिए। अरे भाई, मैंने कहाँ जाना है? वो कहते हैं ना कि
मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी ऑफिस तक। मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, ठीक है? ये अब्बा आजकल स्ट्रेंज नहीं हो गए हैं? कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ और क्या करते हैं? अम्मी आप इन पे जरा नजर रखें। और तुम ये जो खा खा कर मोटी होती जा रही हो, तब तो मैं समझ में नहीं आता अब क्या तुम्हारी अकल है ना घुटनों में। हाँ अब तो मैं कॉलेज के लिए नहीं। क्या मतलब? और एक दिन में आपने मुझे दोबारा से मोटी कहा है, अब बदले के लिए तैयार है ना? हाँ देखेंगे, घोड़ा भी यहीं पे और मैदान भी। भाई अच्छा मौका है, बात कर लो। अल्लाह हाफिज अम्मी, मैं चलती हूँ। ओके बेटा जाओ खैरियत से, अल्लाह हाफिज। ये तुम दोनों बहन भाई क्या खिचड़ी पका रहे थे? कान खोल कर सुन लो, मैं रिदा की पॉकेट मनी नहीं बढ़ाऊंगी। अब नहीं नहीं मैं पैसों की बात नहीं, वो तो मैं भी दे सकता हूँ। तो फिर क्या बात है? अम्मी वो आपसे मुझे एक बात करनी थी। कहो मैं सुन रही हूँ। आप कैसे कहूँ मैं? इसी मुँह से कहो और कैसे कहोगे? आप इस मुँह से अपनी शादी की बात करना तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा सिर्फ शादी की बात करनी है या लड़की भी पसंद कर रही? हाँ लड़की तो है। अच्छा चुपके चुपके लड़की भी पसंद कर ली, अब नाम भी बता दो। उरुसा। उरुसा? वो तो बहुत प्यारी है, जरा भी नखरा नहीं है उसमें। मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, छठ मंगनी और पट ब्याह करेंगे। अच्छा रिदा के जाने से पहले इन घर की जायज अखबार आ जाए। तुम्हारे अब्बा का कौल है और क्या खूब है कि बेटी ब्याहने के लिए और बहुएं बसाने के लिए होती हैं। मतलब आप राजी हैं? मतलब नो विलिनेश सास, नो जान समाज, सब कुछ परफेक्ट। हाय अम्मी ये ख्वाब तुम देख रहा हूँ। बच्चों अगर उरुसा की जगह कोई और लड़की पसंद करते ना तो फिर तुम्हें पता चलता कि असल सास क्या होती है। अब अच्छा अम्मी बस करें, अल्लाह आपका ये रूप मुझे नहीं दिखाए तो अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम। अच्छा शाम को ज़रा जल्दी आ जाना, तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे। वैसे भी पता नहीं आजकल वो कहाँ होते। अरे अम्मी ये खाना वहाँ आप ही को सारा अंजाम देना होगा। मैं ये बात अब्बा से कैसे कहूँगा, आपको तो पता है मैं एक शर्मीला लड़का हूँ। और अगर तुम्हारे अब्बा ना माने तो? आपको लगता है कि अब्बा नहीं मानेंगे? अम्मी प्लीज आप पूरी कोशिश कीजिएगा ना, आपको पता है उरुसा मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिक्र ना करो इंशाल्लाह तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। हमें तमसील के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है और तुम यूं हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो यार, कुछ करो जावेद वरना मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहेगा। अरे यार एहसन के पीछे मैंने आदमी लगा दिए, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, जल्दी इतना आ जाए। बेहतर है कि आज ही तमसील का पता मिल जाए, नहीं तो मैं उस एहसन के घर पहुंच जाऊंगा। और उमर तुम फिक्र नहीं करो यार, मुझे भी फिक्र है यार, यही बेहतर रहेगा। अच्छा ये बता के उरुसा कैसी है? अभी तक तो ठीक है यार, कल उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, मैंने कोई बहाना बनाकर उसे रोक दिया था, लेकिन कब तक रोक पाऊंगा यार मैं उसे। फरवा भी बहुत परेशान है यार, जब से उसने ये सब कुछ सुना है। तब परेशानी से क्या फायदा यार, जब वक्त था तब तो मदद की नहीं तूने मेरी। यार तू तो जानता है ना कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन शेयरिंग नहीं। और तमसील क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है, क्या कुछ सह रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी अना की वजह से। अच्छा एक मिनट, हेलो
हाँ क्या ऑफिस नहीं गया? फिर कहाँ गया? तुम नजर रखो, मुझे एक एक पल की खबर चाहिए, समझे? ओके। क्या हुआ, कुछ पता लगा क्या? कुछ खास नहीं, बस इतना कि एसएन ऑफिस नहीं आया, मैंने नजर रखने को बुलाया है, लेट्स सी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, आखिर कहाँ तक और कब तक छुप के बैठेगा? कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ना। घर, यार घर से तो पता कराओ ना। यार वहां भी आदमी लगा दिए, तो फिक्र क्यों कर रहा? सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे तबीयत है भाई एहसन साहब की? अम्मा तो हाँ, एहसन साहब ने बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने उनसे कहा था कि एक काम मैं संभाल लूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्रिया अंकल। अच्छा बेटा, दो तीन दिन से काफी काम रुका हुआ है, वो फाइलें पहुँचा दे रहा हूँ। ठीक है अंकल, मैं आप तक पहुँचा दूंगा वो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ऑफिस आ रहे हैं ना, और अगर अम्मी और रीता को बताया बिला वजह परेशान हो जाएंगी, जरूर कोई बड़ी बात है। मिसेस खालिद के लेक्चर, दुनिया खत्म हो जाए, घंटियां बज जाए, लेकिन चलता ही रहता है, सो बोरिंग। तो तुम जैसे कहा था कि सोशल साइंसेस लो, और वैसे भी मिसेस खालिद ना मशहूर है अपने लेक्चर्स की वजह से, एंजॉय करो तुम। हो गई गलती, पता नहीं कौन सा वक्त था जो मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट नहीं, टीचर। हाँ वही। हाँ अकेले अकेले खाए जा रही हो, ये नहीं कि दोस्त को पूछ लो, पूरा दिमाग मेरा ड्रेन हो गया है। तो तुम मंगवा लो ना खुद ही। मजाक कर रही थी, चलिए लो। मजाक तो ढंग का सीख लो, पता है सुबह से मैंने ढंग का नाश्ता भी नहीं किया, और सिर्फ तुम्हारे खातिर। मेरी खातिर? वो क्यों? ताकि हादी भाई अम्मी से बात कर सके तुम्हारे बारे में। तो फिर कर ली बात? मैं तो यहाँ आ गई ना, मुझे कैसे पता, कर ली होगी, कर दिया होगा उन्होंने मना। जब तुम मजाक कर सकती हो तो मैं नहीं कर सकती? लेकिन तुम्हें पता है रीता, यहाँ बिल्कुल दिल नहीं है अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाने का। तुम्हें पता है डैड कह रहे थे कि तुम जब ससुराल जाओगी तो हमें भूल जाओगी। अब तो मुझे ये बताओ कि कैसे कोई भूल सकता है अपने पेरेंट्स को? नहीं, पेरेंट्स को भूलने की चीज थोड़ी ना है। अच्छा ये बताओ कि आंटी कब आ रही हैं? पता नहीं रीता, पता है मामा को तो फोन भी नहीं लग रहा। आई होप इस्लामाबाद में सब ठीक हो। वैसे तो तुम क्यों पूछ रही हो मामा के बारे में? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और वैसे जहाँ तक रही बात अम्मी की, तो उन्हें तो तुम कुछ ज्यादा ही पसंद हो, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा वैसे ये बताओ हम कब आए फिर तुम्हारे घर? क्या हुआ? हादी भाई ने तुम्हें बताने से मना किया था, मेरे पेट में कोई बात ही नहीं रुकती जब मैं तुम्हारे सामने होती हूँ। देखो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो ना, हादी भाई को मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है, वरना वो बहुत नाराज होंगे। ओके फाइन, मैं हादी के सामने प्रिटेंड करूंगी कि मुझे सरप्राइज मिला। चलो कुछ खाने चलो, भूख लग रही। समोसे खाते हैं। समोसे और फ्राइज खाना। चलो क्या उन दोनों का पता लग गया है? कहां उसी अपार्टमेंट में? मैं बस अभी निकल रहा हूं फौरन, मैं अब मजीद तमसील को उस मॉन्स्टर की हिरासत में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ठीक है, उस बुड्ढे ने हमें बेवकूफ बनाकर रखा हुआ था। हम समझे कि वो दोनों कहीं जा चुके हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा किसे नहीं छोड़ेंगे? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, वो अपनी बहुत प्यारी चीज मैंने किसी के पास अमानत रखवाई थी, वो खाइन निकला, अब कहीं छुप गया था, आज पता मिला है। दुआ करो सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा, मिल जाएगी आपको आपकी चीज। आपको पता है ना, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। हाँ सब अच्छा होगा, तुम्हें देख लिया है माय प्रिंसेस, सब ठीक होगा। वैसे बाबा एक बात बताए, आपको वो चीज मुझसे भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह कभी परेशान नहीं देखा। और आई एम गेटिंग जेलस, क्योंकि आप तो कहते थे कि अगर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज प्यारी है तो भरोसा है। समझो कि वो है तो तुम। मैं समझी नहीं। वो तुमसे है और तुम उससे, बाकी मैं आकर समझाऊंगा। शायद वापसी में तुम्हारे लिए तो सरप्राइज। हाँ तुम आ गए हो बाहर, मैं आ रहा हूं। कहाँ रह कर मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे? तुमने तो मेरी रिंगटोन भी अलग रखी थी। हेलो हादी, हादी क्या हुआ है? हेलो हेलो हादी, जवाब तो दो हादी। हेलो पता नहीं क्या। हेलो अरे क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? आस्था बहुत गर्म है। गर्म होगा तो दर्द खत्म होगा ना, कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा? या अल्लाह तेरा शुक्र है, किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, मेरे बच्चे की जान बच गई। अभी तुम्हारे अब्बा आते ना तो काली मुर्गी का सदका करवाती। अरे अम्मी गलती इंसान की हो और बेचारे जानवर जान से जाए। मैं ठीक हूँ आपके सामने अम्मी। हादी आदि तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो? हाँ लो डॉक्टर साहिबा खुद ही आ गए, तुम्हारी अभी मैं खबर लेती हूँ। वो तो मैं हादी से मिलने आ गई थी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हो यार। बेटा अब तुम आ गई हो ना तो जरा इसको समझाओ, बाइक आहिस्ता चलाया करे, देखो एक्सीडेंट कर बैठा ना। तुम बैठो, मैं जरा दो नफे शुक्राने के पढ़ लूँ और इसके अब्बा को भी फोन कर दो। लेटो आराम से। जो इंसान एक्सीडेंट से बच जाए वो उसको मार मार के पूरा कर दो। अच्छा ज्यादा दर्द हो रहा है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए दौड़ते हुए चली आई। मगर मसला ये कहते हैं कि दर्द को दर्द से राह होती है। तुम चुप हो जाओ,
पाग। अच्छा छोड़ो भाई, खाना खा लो। ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूंगा। मैं कहाँ जाऊँ? यार कहीं पे भी चली जाओ, अपने कमरे में जाके बैठ जाओ। तुम भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? You are too Brutus. बड़ा दर्द हो रहा है हाथ में। मैं तुम्हें खाना खिला दूँ? हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पीने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे नहीं जीना। आप क्यों कर रहे मेरे साथ ऐसा? होलिये से तो आप अच्छे इंसान लगते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दें। आप एक बाप होते हुए माँ का दर्द महसूस नहीं कर सकते? देखिए आप शायद मुझे कोई जालिम आदमी समझ रहे, ऐसा नहीं है। मैं तो उमर नामी आदमी के अजाब से आपकी जान छुड़ा रहा हूं। वो आपके काबिल नहीं, उसने आपकी कदर नहीं की, इसलिए तो छोड़ दिया इधर उधर रोलने के लिए। मैं तो हैरान हूं कि आप वापस क्यों जाना चाह रहे। हालात का दर्द आप क्या समझेंगे? जब आपके हालात पे बीतेगी ना, तब आपको एहसास होगा कि औलाद का दर्द होता है क्या है। हेलो एहसन साहब, कहाँ रह गए आप? जल्दी घर आइए, हादी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हादी का एक्सीडेंट? ठीक है आता हूँ मैं। देखा पता की लाठी बे आवाज होती है और आप पे तो चलती ही पड़ गई। होता करे जिस दर्द को मैं महसूस कर रही हूं उस दर्द से आप भी पसरे। बहुत तकलीफ मैंने सही है, अब खुदा दिखाएगा इनको कि हालात की तकलीफ होती क्या। हादी बेटा दूध पी लो। नहीं अम्मी मेरा मूड नहीं, आप रख दे मैं पी लूंगा। मूड की बात नहीं, हल्दी वाला दूध है, पियो इससे तुम्हारा दर्द खत्म होगा। अरे यार अम्मी आप हादी। बेटा कैसी तबीयत है, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ठीक हूँ मैं अब्बा, फुर्सत मिल गई आपको हमें पूछने की। कैसी बातें कर रहे हो तुम, बहुत कीमती हो तुम और रिदा मेरे लिए। कीमती चीजों की हिफाजत की जाती है अब्बा, इस तरह लबारिस नहीं छोड़ा जाता। अगर आप इजाजत दें तो आपसे कुछ पूछ सकता हूं मैं? मैंने बहुत सोचा, आपकी जगह खुद को रखकर तो यही समझ आया मुझे आपको कैद में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। आपकी आजादी के कागजात छोड़े जा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तलाक तलाक तलाक। मंजिल न होगी सजन, कहीं दिल को राहत दे।
सजन अब के हम उमर तमसील तुम आ गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बस एसन ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, उर्मिसा के साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। तमसील मैं कितना खुश हूं तुम्हें यहां देखकर, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। अब हम साथ आएंगे ना? कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन अब के हम खादे। तुम्हारे लिए नाश्ता लाओ बेटा। क्या मसला है, खाओ ना नाश्ता। अरे आप उठ गए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आज मैं और मेरा बेटा साथ नाश्ता कर। मैं भी इसको यही कह रही हूँ, दवा भी खानी है ना। चलें मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लाती हूँ। हादी क्या हुआ तुम्हें, कोई परेशानी है? तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, तुम क्यों? कल आपने मेरे सवाल का जवाब अधूरा छोड़ दिया। मेरा जवाब तुम्हें मुतमईन कर दे। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? आई मीन मुझसे, रिदा से, अपने फैमिली से, क्या आज भी मोहब्बत करते हैं आप हमसे? कैसा सवाल है? आपका जवाब हमारा मुस्तकबिल तय करेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि कोई अपनी फैमिली को प्यार करना छोड़ दे? और तुम लोग तो मेरे अपने हो, मेरा प्यार तुम लोगों के लिए बिल्कुल खालिस। तो फिर तुम्हें ऐसी क्या बातें अब्बा जो आप हमसे छुपा रहे? कल भी आपने हमारी बात टाल दी थी, आज आपको सच बताना होगा अब्बा। हादी तुम ये सब इसलिए पूछ रहे हो कि मैं घर से दो तीन रातें दूर रहा हूं? नहीं अब्बा, बस दिल में शक सा आ गया है कुछ। किस बात को लेकर? कोई खौफ है आपके दिल में जो आप हमसे छुपा रहे हैं, और इसी वजह से है जैसा लग रहा है कि आपको खो देने का एहसास बढ़ा जा रहा है। ये छोटे बहुत मामूली हैं अब्बा, पर ये एहसास बहुत बड़ा है कि आज मैं जिंदा हूं। अल्लाह करीम है, करम किया। जान ट्रस्ट होता ना अब्बा, यहीं पे बेतमादी भी होती है। आप प्रॉमिस करें आप हमारे दरमियान किसी किस्म का आपसियां पैदा नहीं करेंगे। तुम्हारे दिल में अगर कोई शक हो, कोई बात हो, तो मुझसे डायरेक्ट कर दिया करो, इस तरह मामला सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई क्या बातें हो रही है बाप बेटे में। अलीमा बेगम मुझे लगता है कि मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया। बिल्कुल, अब तो इसकी शादी तय कर देनी चाहिए। मैंने तो पता है इसके लिए लड़की भी देख ली है। भाई आपने लड़की देखी है तो अच्छी होगी। जी जनाब, पता है कौन है? उरूसा, रिदा की सहेली। हाँ हाँ, वो तो हमारे सामने की बच्ची है,
देखी वाली बहुत अच्छी बच्ची है, क्या वो हादी को भी पसंद है? अब जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो फिर कब चल रहे हैं बातें करने? ए हौसला करो, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम तो अतेली पे सरसू जमा रही हो। इतनी अच्छी लड़की है, कहीं हाथ से ना निकल जाए इसलिए कह रही हूँ। अच्छा आप लोग उठे, नाश्ता तैयार है, टेबल पे आ जाए। आओ नाश्ता करने थे। आदि इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई पर तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? रिदा मैं खुश हूँ, लेकिन जब खुश होते हैं ना तो सिर्फ खुशी होते हैं, ये लेकिन वगैरह अगर मगर ये सब नहीं होता। तुम एक मुकम्मल फैमिली से हो रिदा, इसीलिए मुझे तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनने की चाहत है। तुम सब मिलजुल कर हंसी खुशी काम करते हो, लेकिन मेरी फैमिली में सब बिखरे हुए, सब अलग अलग हैं। अब तुम मामा को देखो, जिस दिन से गई है एक कॉल नहीं की, क्या उनको मेरी याद नहीं आती? तुम भी अब हमारी ही फैमिली हो, खुशी में भी और गम में भी। और ये बात आंटी की तो उनको कॉल मिला लो, क्या मुश्किल है इसमें? मैंने की थी ट्राई, बहुत बार की थी लेकिन नो रिप्लाई, मैसेजेस भेजे लेकिन वो रीड ही नहीं कर रही, आखिर ऐसी क्या वजह होगी? ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर से मामा और बाबा में अनबन हो गई हो और मेरी वजह से सब खामोश हो? पता है बाबा भी बेहद परेशान है, बहुत परेशान है वो। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती? मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई मुझे अपना समझ के सब कुछ बताए, लेकिन हर जगह सन्नाटा है और इस सन्नाटे में मेरा दम घुटता है, कुछ हो जाएगा। तुम इतना डीप सोचती हो, लेकिन सोचने से मसले हल नहीं होते मेरी जान। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तुम होती तो क्या करती? बात करती। बात करने से बड़े बड़े मसाइल हल होते मेरी जान। अब देखो तुम्हारे मसले का हल बहुत ही सिंपल है, तुम्हारी मम्मा कॉल पिक नहीं कर रही ना, तो नानो कर लेंगी। नानो भी फोन पिक नहीं कर रही, मैंने की थी ट्राई। अच्छा तुम इतना मत सोचो, पता है ज्यादा सोचने से स्किन खराब हो जाती है और तुम्हारी तो शादी होने वाली है। क्या सोचूं? अच्छा तुम्हें काम करो, ये सोचा वोशा छोड़ो, मैं हादी भाई को यहाँ बुला देती हूँ, उनको बोलूंगी कि जल्दी से आ जाए, हमारी प्यारी उरुसा उदास बैठी हुई है। ये क्या कर रही हो तुम, उसका एक्सीडेंट हुआ है वो कैसे आएगा? हाय हाय इतना ख्याल हमारा तो कभी नहीं किया, बेवफा दोस्त। बकवास ना तो उधर खत्म होती। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जी आपको पता है आप बहुत खूबसूरत, और आज आपको किचन में यूं काम करता देख के मुझे महसूस हुआ कि मंजर मुकम्मल हो गया है। औरत का सबसे खूबसूरत रूप है ये। एक औरत का सबसे खूबसूरत रूप उसकी ममता होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी कुर्बानी दे सकती है, अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती। आपको न किसी की जान लेने की जरूरत है और न जान देने की, आपको सिर्फ सौदा करने की जरूरत। सौदा? कैसा सौदा? मैंने कहा ना आपसे कि आप बहुत खूबसूरत हैं। देखिए उमर कितना बदनसीब और मैं कितना खुशनसीब हूं कि आप मेरी ज़ौजियत। कहना क्या चाहते हैं आप? बच्ची नहीं है आप। मैं खूब समझ रही हूँ आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीयत में ही खोट है, इसलिए तो आप मुझे तलाक नहीं दे रहे,
वाहिदे के बावजूद आप मेरे अकेलेपन का फायदा उठा रहे और औरत को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं। औरत कमजोर नहीं होती। एक बात कान खोल के सुन ले, वो आप में भी नहीं सोचिएगा, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो नचिका सही नहीं। शर्मो है, मर्दों का भी जेवर है। बेच खाइए क्या आपने? जवान बेटी के होते हुए ऐसी बातें जेब नहीं देती हम। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, मियां बीवी में इश्क हो जाना आम सी बात। मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती, हरगिज़ नहीं और कभी मानूंगी भी नहीं। देखिए, ये बेगर्जी का रिश्ता है, मुझे अपनी मोहब्बत और बेगर्जी प्रूफ करने के लिए मैं आपको आपकी बेटी से बात करने की इजाजत दे सकता। सच? लेकिन बदले में आपको जरूर कुछ चाहिए हो। आपका एतमाद, आपकी मुस्कुराहट। पता है ये मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, बहुत मुकद्दस रिश्ता है। रब पाक ने भी सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का बनाया, मेरा यकीन करें आप और उमर एक दूसरे के लिए नहीं बने। बाद में आप मेरी शुक्रगुजार होंगे कि इस मुश्किल से निकालने में मैंने आपकी मदद की। इससे तो मैं बाद में नहीं, बस किसी तरह एक बार उरूसा से मेरी बात हो जाए। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कब से मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। क्या हुआ? मैं उरूसा से बात करना चाहती हूँ। गुड। मेरा फोन कहाँ है? मेरी कुछ शराय। मुझे हर शर्त मंजूर है। अब देखो, तुम्हारे मसले का हल बहुत ही सिंपल है। तुम्हारी मम्मा कॉल पिक नहीं कर रही ना, तो नानो कर लेंगी। ठीक तो कह रही है रिता, मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। हेलो नानो, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, आपका फोन भी नहीं लग रहा। अरूसा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ नानो, आपकी तबीयत कैसी है? क्यों, क्या होना था मेरी तबीयत को? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तुम सुनाओ, तुम और तमसील कैसे हो? और छुट्टियों में क्या प्रोग्राम है आने का? इस बार एक भी नहीं सुनूंगी मैं, फिर हम हुंजा चलेंगे। क्या मतलब नानो, मामा आपके पास नहीं है? तो फिर मामा कहाँ है? मैं समझी नहीं। नानो, मामा आपके पास नहीं आई तो कहाँ है मामा? नहीं, क्यों, आना था क्या उसने? नानो प्लीज, आप मामा को बुलाएं, आप मेरे साथ मजाक ना करें। अरूसा, मेरा दिल नहीं दहलाओ, तमसील कहाँ है? सब खैरियत है ना वहाँ? फिर से तो तुम्हारे बाबा ने मेरी बच्ची को तंग नहीं किया कहीं? नहीं नानो, आप गलत समझ रही हैं। मामा और बाबा तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, और मुझे तो मामा ने कहा था कि वो आपके यहाँ जा रही हैं और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। मैं उमर को फोन करके पूछती हूँ। नहीं नानो, आप बाबा को कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको एक घंटे बाद कॉल बैक करती हूँ। इसका मतलब है मामा ने मुझसे झूठ बोला, नानो के पास नहीं गई तो कहाँ गई?